वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। देखो कल के दिन क्या था कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से ये जो है ये प्रॉपर कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो इसी क्लास को जो है अभी फिर से हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो कुछ टेक्निकल इशूज़ रहे जिस वजह से कल क्लास अचानक से क्या हो गई, बंद हो गई। कैसे बंद हुई? अचानक से बंद हुई। चलिए शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन 2008 में पूछा गया प्रॉब्लम है, सिंपली साइन कॉस में ब्रेक कर दिया था। हालांकि इसका एक मेथड आप लोगों को बता चुके हैं, सर कल डिस्कस भी हो गया था, इस मेथड से मैं बता रहा था। अभी हमको क्या करना है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू को उठाना, उठा करके कहाँ रख देना है, इसको उठा करके रख देना है कहाँ पर, इसी एक्सप्रेशन में रख देना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, रूट की चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद रूट लगा देने में ज्यादा समझदारी रहेगी। बोलो भाई साहिल। चलो तुम कह रहे हो तो फिर मैं भी मान लेता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। भाई मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि ये जो है तुम लोग कांसामृत का इस्तेमाल किया करो, वैद्यनाथ का आता है कांसामृत, जिससे खांसी नहीं आती है। तुम लोग ये टुस्टुस से जो है ये वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हेल्थी मतलब हेल्थी बॉडी में ही क्या रहता है ना कि हेल्थी माइंड होता है, पढ़ा होगा। ये देखिए अब ये सब कैसे ही रहेगा चलेगा। हाँ किसी देखते हैं। चलो इसको हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। जैसे हमने रखा तो यहाँ से क्या हमको देखने को मिलता है, जीरो से पाई बाई टू देखने को मिलता है। यहाँ से हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देखने को मिलता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन टू और विद अंडर रूट साथ में डी एक्स। यहाँ से रूट टू देखो सिस्टम से बाहर आता है या नहीं आता है, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और होल अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो भाई बात समझ आती है या नहीं आती है? साथ में डी एक्स ए स्क्वायर नहीं, आप सिंपली लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, अंडर रूट टू और ये वाला जो इतना पोर्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी जगह पर आना चाहिए क्या डी टी। और यहाँ से बच्चा जरा ध्यान देना, होल अपॉन ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बदल जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर। लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, जब जीरो रखते हैं तो माइनस वन मिलता है और जब पाई बाई टू रखते हैं तो प्लस वन मिलता है। कोई समस्या? जैसे ही हमने ये इसका कोई फॉर्मूला सुना सकता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर मतलब वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स साइन इनवर्स, बढ़िया, अंडर रूट टू साइन इनवर्स टी, लिमिट चलेगा जीरो टू माइनस वन टू प्लस वन। एक बार क्या आ जाता है, अपर लिमिट आ जाता है तो बनता है साइन इनवर्स वन माइनस लोअर लिमिट आता है तो साइन इनवर्स माइनस वन। यहाँ से हमको देखने को मिलता है अंडर रूट टू, दिस इज नोन एज द साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू और फिर यहाँ से साइन इनवर्स ये प्लस आ जाता है साइन पाई बाई टू। यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू पाई पाई रूट टू। देखो आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, डन। देखो इसका जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है जो जो रियल में है उसको पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने तुमको हमेशा ही एक बात समझाई, क्या बात समझाई, कि जब भी आप होल स्क्वायर बनाएंगे चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, होल स्क्वायर कभी भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का नहीं बनेगा, किसका बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का बनेगा। इसका इंपैक्ट मैंने तुमको पहले बताया था कि ये अगर आप कॉस को पहले रखते हैं साइन को बाद में रखते हैं तो इससे हमको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन भी है जो एचएम पब्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर तभी आएगा जब तुम कॉस को पहले रखोगे साइन को बाद में रखोगे। अब एक्चुअली ये पहले और बाद में ले जाने का जो प्रोसेस है इसको जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम जीरो से लेकर के पाई बाई टू देखो डिस्कस करवा रहे हैं, जो एक्चुअल में देखो आंसर लाना बाबू एक अलग बात होती है और चीजों को समझना सिस्टमैटिक एक अलग बात होती है। जीरो से पाई बाई टू यही तो उसने रेंज दी हुई है, जीरो से पाई बाई टू। अगर हम जीरो से पाई बाई टू को ब्रेक में ब्रेक कर देना चाहें तो हम लेकर के जाएंगे जीरो से पाई बाई फोर और फिर पाई बाई फोर से पाई बाई टू। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अब एक चीज याद रखना कि जब साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा जो है वो जीरो से लेकर के 90 तक क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और जब हम कॉस की बात कर रहे होते हैं तो कॉस थीटा जीरो से लेकर के 90 तक क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। इसीलिए तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ रही है इसकी वैल्यू घट रही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा होल है झोल है, इसको जरा समझेंगे। अगर हम साइन जीरो की वैल्यू देखें और अगर हम कॉस जीरो की वैल्यू देखें तो किससे कौन माइनस होना चाहिए, कॉस से साइन माइनस होना चाहिए। अब मेरी बात समझे, जब जीरो से पाई बाई फोर अगर अगर रियल वे में देखें तो रियल वे में ये जो क्वेश्चन है, हालांकि ये 12th स्टैंडर्ड पर सभी बुक्स में तुमको ऐसे ही सॉल्व होता दिखेगा, लेकिन इसकी जो रियल प्रोसेसिंग है डेफिनेट इंटीग्रल की वो तुमको बताना जो सर्वमान सत्य होगी जो कभी गलत नहीं हो सकती है, उसमें ये होगा कि ये लिमिट जो जीरो से पाई बाई टू है दोस्तों में टूट जाएगी, जीरो से पाई बाई फोर और पाई बाई फोर से पाई बाई टू। कोई समस्या? अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर तैयार करेंगे तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर तैयार होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के लिए और एक बार तैयार होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए।
यानी हमें cos x माइनस साइन x तब करना होगा जब 0 से पाई बाई 4 चल रहे होंगे, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तब लेंगे जब हम लिमिट हमारी क्या चल रही होगी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पर लेंगे, तो साइन माइनस cos x लेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो बता रहे हैं आप आरडी शर्मा को उठा लेंगे, वहां पर भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखेंगे तो वहां पर डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें तुमको ये जज करना होता है कि क्या पॉजिटिव जा रहा है और क्या निगेटिव जा रहा है। मेरा पूरा कंसेप्ट समझ पाया नहीं समझ पाया? हालांकि देखो इस टाइप की चीजें भी अगर हम बताने लगेंगे ऑनलाइन में तो भैया जो है जनता छोड़ के भाग जाएगी, जनता के पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। अब ऐसे क्या कि सीधे आंसर आ गया जनता भी खुश, बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन मेरा काम है कि आप तक सही बात पहुंचे, इसलिए मैंने आपको सही बात बता देना उचित समझा। हालांकि मैं स्टार्टिंग से तुमको ये बात बता चला था कि cos x - sin x लेते तो किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि आखिरकार cos आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर जब उससे करोगे सही आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे इसमें तो टैली हो रहा है, बहुत सारी जगह पर टैली नहीं होगा, तब फिर इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, तुमको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है कहाँ निगेटिव जा रहा है। अरे भूल गई मॉडल वाले क्वेश्चन, पॉजिटिव निगेटिव बताए थे ना उसमें, तभी वो आंसर वैलिड होगा। आगे बढ़ा जाए, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन 0 to a 4 + x² 2014 में देखो ये पूछा गया प्रॉब्लम है और इसमें तुमसे पूछ रहा है एक ही वैल्यू, यही पूछ रहा होगा ना, ठीक है। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल आसान सा केस है, 1 upon a² 1 upon, बिल्कुल सही जवाब है 1 upon a tan इनवर्स x upon a। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे लिख दिया, अरे भैया इसे लिख दिया है, कोई समस्या? और यहाँ पर लिमिट नहीं लगा पाओगे, π/8 यहाँ से क्या बनेगा, देखो 2 से 8 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से बनता है tan इनवर्स a/2 फिर माइनस 0 by 2 मतलब 0, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है π/4, कुल मिलाकर के tan इनवर्स a/2 = π/4 सिंप्लीफाई किया तो a/2 = tan π/4, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो a/2 = 1, देन a = 2 इज अ करेक्ट आंसर। नहीं मेरी बात समझे, नहीं मेरी बात समझे, समझ गए? और बोलो, और क्वेश्चंस रीड करो और आगे चर्चा करेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन 0 to π/4, हाँ 3 + dx। अब ये सवाल नहीं लगा पाओगे, अजमेर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, कैसे इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेंगे, कौन बताएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो जरा डिनोमिनेटर बदल रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी। अब मेरी बात जरा समझने का प्रयास करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको साइन टू एक्स का फॉर्मूला ओपन करना होगा, तुम लोग चूक गए, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 3 + मुझे लगता है कि ये हिस्सा काफी हद तक टैली हो रहा है इस हिस्से से, देखो जरा ध्यान से बोलो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिमिट्स में परिवर्तन किया गया है 0 से π/4 में, अब तुम बताओ कौन सा आएगा, साइन पहले आएगा कॉस पहले आएगा, कॉस पहले आएगा साइन बाद में, क्योंकि तभी तुमको रिजल्ट तुमको क्या देगा पॉजिटिव देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे अलग इसको आगे सिंप्लीफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर देना, और इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू यहां से उठाना ला करके रख देना, देखो रखने के बाद में तुमको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा 0 से π/4, यहां से तुमको क्या पता चलता है भाई, यहां से क्या पता चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन यहां से 3 + ये वैल्यू यहां से जनरेट कर रहे हैं 2 sin x cos x की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, तो 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, बोलो बनता है या नहीं बनता है। 0 से π/4 हमने फिर पिक किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 4 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, बोलो बनता है या नहीं बनता है, बनता है या नहीं बनता है, इसको टी लेट करेंगे तो ये वाला देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये तुमको देखने को मिलेगा 1 upon a² - x² 1 upon a² - x² ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 upon a² - x² सही है, 1 upon 2a log सही है, a + x / a - x सही है, 1 upon 2a log a + x / a - x अटेम्प्ट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, सिंप्लीफाई कर पाओगे, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, फिर बोलो जरा नेक्स्ट, फिर बोलो, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको ना कर पाओ तो बताओ बताएं, कर ले जाओगे? ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ फिर बोलो, 0 to π/2, अब ये लगता है π/4 वाला शायद क्वेश्चन आ रहा है, वो वाला नहीं है, 0 to π/2 5 sin x + 3 cos x
भुवनेश्वर 2015। देखो अभी तक का सबसे दमदार क्वेश्चन ये निकला हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ना ही टेक्स्ट बुक में है और ना ही उसमें है, हाँ ये क्वेश्चन शीट में अवेलेबल है। बढ़िया लक्ष्मी, मुझे ये सुनकर के बहुत तसल्ली मिल रही है कि कम से कम तुम शीट को तो पढ़ रही हो। हाँ शीट फटाफट ओपन कर लेंगे और ये आर्टिकल तुमको शीट में देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है पढ़ने वाले लोग, तुरंत बता दिया कि आर्टिकल नंबर 22 है। बहुत बढ़िया, अब कुछ लोग हैं जो बस इधर उधर ही देखते रहते हैं। अब कहाँ है तुम्हारी सीट, कहाँ है ये है बताइए यार। सीट इसलिए थोड़ी दी कि घर में रखो, सीट इसलिए दिए ताकि उसको कायदे से पढ़ो। आर्टिकल नंबर 22 भाई, वो बोल तो रही है, वो कैसे ही बोले भाई, वो कह तो रही है आर्टिकल नंबर 22 कहाँ है। आर्टिकल ये देखिए आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 एक केस देखो तुमको उसमें देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 22 में इसको किसको रीराइट किया गया है, डिनोमिनेटर को रीराइट किया गया है। किसको रीराइट किया गया है, डिनोमिनेटर को रीराइट किया गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, अब बोलो इसको अटेम्प्ट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, या फिर बता दिया जाए हम किसको रीराइट करने जा रहे हैं। रीराइट डिनोमिनेटर को हमने रीराइट किया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, वहां पर एम एन लेते हैं तो यहाँ पर लैम्डा और म्यू लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का म्यू, और म्यू के साथ में क्या आ जाता है, म्यू के साथ में देखो डिनोमिनेटर जनरेट होता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी तक का इस टाइप का किसी भी व्यक्ति ने यह सवाल नहीं पूछा था, बोलो पूछा नहीं पूछा। हालांकि इस टाइप का एग्जाम्पल भी शायद मैंने सॉल्व कराया है, कराया है नहीं कराया है। थ्री साइन एक्स है, 5 sin x plus 3 cos x, sin x plus cos x, यही तो है क्वेश्चन, क्या है यही है ना, sin x plus cos x। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे, यहाँ से जरा देखते हैं, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा sin x plus का cos x plus equal, यहाँ से बन जाता है lambda, cos sin x का differentiation, minus plus का mu, sin x plus का cos x, ये numerator को rewrite करते हैं बाबू, ये सब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पूरे उसमें चल रहा है। लक्ष्मी तुम कुछ बताती भी नहीं हो, अरे तुम्हें क्या लग रहा, तुम्हें तो बस वैसे ही लगता है, तुम जो है अभी गलत करवा देती बाद में कहती है लो। यहाँ से 5 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, बोलो बनता है नहीं बनता है। हमेशा किसको रीराइट करते हैं, न्यूमरेटर को रीराइट करते हैं। किसको रीराइट करते हैं, न्यूमरेटर को, तो सब सीट खोले बैठते हैं लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है। ये है बताइए, ये है हमारे यहाँ पर, ये चल रहा है। यहाँ से देखो बच्चा, 5 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू, 5 sin x plus 3 cos x equals to, क्या तुमको देखने को मिलता है, sin x को हमने adopt किया, किसको adopt कर लिया, तो यहां से क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, minus lambda plus mu sin x, cos x को adopt किया, क्या हमें देखने को मिलेगा, lambda plus mu, और यहां से क्या generate हो जाता है, cos x। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, compare करा देना चाहिए, क्या करा देना चाहिए, compare, कंपेयर जैसे ही कराया तो हमको देखने को मिलता है माइनस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 5, दूसरा देखने को मिलता है लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 3। क्या करना चाहिए, दोनों को सिंपलीफाई कर देंगे तो यहां पर लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग। बताओ भैया ये सॉल्व कर पाओगे कि ये भी नहीं कर पाओगे, मुंडी का इलाज हो, बताओ फिर आंसर लैम्डा और म्यू के, म्यू इक्वल्स टू 4 और इस म्यू को उठाया ला करके यहां रख दिया तो लैम्डा इक्वल्स टू -1। मेरी बात समझे या नहीं समझे, लैम्डा और म्यू हमारे पास क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। क्या करेंगे, इसको उठा करके कहां रखना है बाबू, इसको उठा करके रख देना है इक्वेशन 1 में, कहां रख देना है, इन 1, जैसे ही 1 में पुट किया, क्या कहा, जैसे ही 1 में पुट किया हमको देखने को मिलता है 5 sin x plus 3 cos x equals to, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस cos x minus sin x plus म्यू की वैल्यू क्या जाती है, 4 sin x plus का cos x। अगर ये सही होगा, अगर तुम चेक करना चाहते हो लैम्डा और म्यू की वैल्यू सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, RHS सिंपलीफाई करना, LHS मिलना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 4 एक 5 एकदम मिल रहा है, यहां से 4 cos x minus 2 3 एकदम सही है। इसका मतलब जो लिखा गया है वो क्या है, वो परम सत्य है, वो क्या है, परम सत्य है। इसको अब हम उठा करके कहां रख देंगे, इसको उठा करके गिवन क्वेश्चन में रख देंगे। अब देखो क्योंकि पहले क्वेश्चन 1 ये मान लिए हैं, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया है, स्टार पॉइंट पर ले लिया, इसको कहां पर ले लिया है, स्टार पर ले लिया है, यूजिंग स्टार, क्या करा, यूजिंग स्टार। जैसे ही पुट किया हमको देखने को मिलता है 0 से पाई बाई 2 5 साइन एक्स प्लस, यार जगह ही नहीं है, अब कहां लिखें हम, अब एक स्टेप देखो मुझे कुछ रफ करना होगा ये मैं लिख सकता था, तुम्हारी बात एकदम सही थी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना सही कि असल में ये इस टाइप का अभी तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो फिर मैंने सोचा इसको पूरा सॉल्व करा देते हैं। मैं बार बार तुम लोगों को बोला था कि इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार करो, अभी देखो इतना सब कुछ पढ़ा देने के बाद भी अंततः ये एक सवाल ऐसा निकला जो हम लोगों के उससे बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि शीट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, शीट से एक एक क्वेश्चन फंसेगा, एक एक क्वेश्चन, मैं फिर कहता हूँ कि शीट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, मेरी बात समझे।
अच्छा शीट, मतलब शीट का नहीं आया है, अच्छा मतलब मैंने सॉल्व किया हुआ लेकिन आपको समझ नहीं आया। चलिए भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, मन को शांत रखेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और जल्द ही आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। शीट में सेकंड मेथड से बताया होगा शायद, इसलिए नहीं आ रहा है, शीट में जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मेथड में है। यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, यूजिंग स्टार, जैसे स्टार का इस्तेमाल किया तो हमको देखने को मिलता है 0 से π/2, यहाँ से देखने को मिलता है 5 sin x + 3 cos x होल upon sin x + cos x dx इक्वल, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा माइनस साइन चला जाता है बाहर 0 से π/2, देन cos x माइनस साइन x, क्या बात कह दी गई, cos x माइनस साइन x होल अपॉन साइन x प्लस cos x dx, और फिर यहां से क्या तुम्हें देखने को मिलता है प्लस का 4 इंटीग्रेशन साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x और साथ में dx। ये वही सीरीज चल रही है जो सीरीज कल जहां से रुक गई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, वो वीडियो अपने आप ही बंद हो गया था, ये वही सीरीज आगे चल रही है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बल्कि शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने मार्क्स में पूछा गया है, मार्क्स नहीं दे रहा है, 2 मार्क्स में ये सवाल आया है, देख लीजिए कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, शायद ये दोनों चल बसेंगे, इसको टी लेट करेंगे तो ये बात बनती है, इसका मतलब सीधे कर दें, सीधे कर दें तो यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा इक्वल, इसको टी लेट कर लिया तो ये खत्म हो गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, इसका मतलब ये बना देता है माइनस का log sin x प्लस cos x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2, और दूसरा किस्सा कौन सा तैयार होगा प्लस का 4, यहाँ से 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो x मिल जाता है, और लिमिट देखो चल रही है 0 to π/2, तो 0 to π/2, इसको जरा सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर लेते हो, यहां से तुमको देखने को मिलेगा साइन 90 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू और लॉग 1 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कहते हैं 0, कॉस 90 0 है, साइन सही है, साइन 90 की वैल्यू 1 है और साइन लॉग 1 की वैल्यू 0 सही है, 0 पर मुझे लगता है यही हरकत होगी, 0 हो जाएगा, आंसर टैली करो, बताओ क्या आ रहा है, ये पूरा 0 में तब्दील हो जाएगा, 4 यहां से π/2 माइनस एक्स, ओवरऑल हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, अरे π/2 माइनस 0 आएगा भाई, यानी कुल मिलाकर के 2π, नहीं आंसर आ रहा है, आ गया। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन को बिल्कुल घोंट के पी जाओ, मेरी बात समझे या नहीं समझे, चलो बढ़िया लाजवाब सवाल है, और बोलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर sin x अपॉन प्लस 2 की पावर cos x, बिल्कुल प्रॉपर्टी 4, और मुझे लगता है इसका आंसर सर π/4 आता है, याद आया 64, ये देखिए 64 टाइप के सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है बताएं जिसमें 64 से 32 क्वेश्चंस उस दिन बता दिए थे, ठीक है, जिनका आंसर क्या आता है π/4 आता है, ओवरऑल कितने क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है जिनका आंसर हमेशा क्या जनरेट होगा π/4 जनरेट होगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, बढ़िया ठीक है, तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं डू योर सेल्फ क्योंकि ये तुम लोग सीख चुके हो। हाँ अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स, बीएससी दिल्ली 2014 सीबीएसई दिल्ली 2014, ठीक है आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं, कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत दमदार सवाल है इस पर बेस्ड लेकर, बिल्कुल सही जवाब है इन्होंने कितनी भाई, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर खतरनाक, ये हैं पढ़ने वाले लोग, इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि यहाँ पर ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने मार्क्स में 2 मार्क्स में, यहाँ से इनके कहने का मतलब है e^(x + f'x), तो जो आंसर आता है वो आता है f'(x e^x), ठीक है यही कह रही हो ना, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मामला पेचीदा हो रहा है, एक्चुअली साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस मिलता तो है लेकिन ये तो पॉजिटिव पर था, ये नेगेटिव पर आ रहा है तो वो फिट नहीं बैठ रहा है ना, हमने कहा था इसका डिफ्रेंशिएशन ये होना चाहिए, अब क्या करेंगे बिल्कुल सही जवाब है भाई, यस ओब्रॉय ने तो दिल जीत लिया आज, इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि सर माइनस साइन ही आप कॉमन कर लीजिए, तो कॉस एक्स क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, अब देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या माइनस साइन एक्स, इस प्रॉपर्टी को जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही आपको आउटपुट देखने को मिलता है e^(x cos x), 0 से π/2 ये आता है नेगेटिव साइन, यहां से अब आपको देखने को मिलता है माइनस,
एक बार अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, डेड हो गया, और एक बार जब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वन, माइनस माइनस प्लस, माने प्लस का वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर टैली कराएंगे, वन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे भी देखा जाए। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, ये क्वेश्चन आलोक, आलोक आपके जो ब्रदर थे उनके दिमाग में ये आइडिया आया, मतलब ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। एक्चुअली इसको जब मैनुअली प्रोसीड कर रहे थे तो आंसर सही आ रहा था, लेकिन कह रहे थे सर ये वाली ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर नहीं बन रहा, ऐसा क्यों? तब फिर बताया, समझ लो कितनी पुरानी बात मुझे अभी तक याद है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरी बात समझ गए, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब इसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे ये टैली होता है, इसलिए सवाल अच्छा है, दो नंबर में आया था। अब बाकी दो नंबर में आया, लड़का साहब एकदम लवर लवर करके कहा कि ये होगा, इसको इसको तुरंत टी मानो और ये खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस साइन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप करें। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्या है बोलो जरा? इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, 2010 में ये सवाल आया है। प्रॉपर्टी 5 लगेगी और सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टी 5 ये तब अप्लाई होती है जबकि यहाँ पर क्या लग रहा होता है, इवन और ऑड का कांसेप्ट चल रहा होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर बता देना चाहिए हेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नोट नहीं कर रही हो और फिर बाद में कहोगे कि हमको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर क्या जनरेट हो जाएगा, 5x जनरेट हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, माइनस एक्स, एक्स का रिप्लेसमेंट किससे करा देते हैं, माइनस एक्स से, एक्स का रिप्लेसमेंट किससे कराया, माइनस एक्स से। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स। जब पावर ऑड होती है तो नेगेटिव साइन मिलता है या नहीं मिलता है, और ये जो साइन 5x है ये असल में क्या fx नहीं है। इससे पता चलता है कि f माइनस x करने पर हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, सिंस fx इज इक्वल टू ऑड फंक्शन एंड देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी 5, ये देखो छपी हुई है प्रॉपर्टी ग्रीन कलर से, यहां से तुमको देखने को मिलेगा साइन टू द पावर 5x dx इज इक्वल टू 0। बात समाप्त होती है इसी जगह से, नहीं मेरी बात समझे, समझ गए? फिर बोलो भैया, फिर बोलो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हां अच्छा, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब निपटा डाले हैं। अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं। वेरी लॉन्ग भी दिए गए हैं क्या, कि केवल लॉन्ग ही है? अरे मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। नोट कर लो इस सवाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं फिर कहता हूं, आगे बढ़े। अरे श्वेता तुम कभी आराम भी कर लिया, अगर मैं देखता हूँ हमेशा नोट ही करती रहती हो। आगे बढ़े, अरे नहीं नोट करोगी भैया? देखो कुछ चीजें जो है ना वो, अब जैसे फोन आजकल मैं देखता हूँ कि जब पढ़ाओ तो जनता जो है वो नोट नहीं करती, वो मतलब बस वही, हाँ तो खींच मेरी फोटो, हाँ और वही चलता रहेगा, और फिर उसके बाद इतनी सारी फोटो तो जाती है, इतनी सारी फोटो तो जाती हैं कि बाद में फोटोज ही नहीं मिल रही हैं। अभी एक, अभी मैंने एक महामैराथन की थी, उस मैराथन में क्या हुआ कि भैया हम पूछ रहे हैं फलानी सीट दी थी, किसी को याद ही नहीं है दी है कि नहीं दी है। जब सीट दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है, तब भी फोन में नहीं मिल रही है, ये स्थिति। इसलिए कहते हैं कि किताबों में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर काम नहीं आता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए नोट करना चाहिए। वैसे भी मैथ्स के लिए बहुत फेमस स्लोगन है, मैथ्स डज नॉट रीड इट राइट, गणित पढ़ी नहीं जाती है, गणित लिखी जाती है, और इसलिए जो लोग गणित को पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको गणित नहीं आती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x, यार ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हो चुका है, दिल्ली 2010 में ये देखो सवाल आया हुआ है। हालांकि ना सोचना ये पुरानी बुक चल रही है, ये अभी अभी ये न्यू बुक ही है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो थोड़े से और दिख रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 एकदम सही आंसर है, यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 एप्लीकेबल होगी, इसको आई मान लिया है। जैसे ही प्रॉपर्टी 4 का पार्ट बी अभी भी छपा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी छपा हुआ है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से लगाया पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? तुम नहीं, चलो चलो तुम यहाँ बताओ मुझे, तुम बहुत नोट करती हो। पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माने साइन एक्स हमको क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। 0 टू पाई, यहाँ से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आई बिल्कुल सही जवाब है। कितना पढ़ गया, देखिए इन्होंने जवाब दिया कि आई, इन्होंने क्या जवाब दिया, आई, ये बात सही है। ये देखिए कितना पढ़ गया जवाब दिया भाई, अद्भुत, बहुत बढ़िया। 0 टू पाई, 0 टू पाई
तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है पीछे जो बैठे हुए हैं, आ रहे तो कहा नहीं बोल रहे हो, फिर आगे बढ़ा जाए, बताओ चल फिर आ रहे तो बताओ इसके आगे क्या करेंगे, क्या लेट करेंगे। अगर वन प्लस साइन स्क्वायर टी लेट करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स होना चाहिए, है कहीं कॉस एक्स, तो अब हमें क्या, और मामला पेचीदा तुमने कर दिया, अब तो हल ही नहीं होगा। अरे हाँ मैं इसीलिए कह रहा था कि बस तुम ही हो जो जवाब दे सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा था तुम नहीं नोट करो, बाकी पता नहीं काम और बड़बड़ाई डाल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या यार। ये क्वेश्चन तो हमें लगता है बताए हैं, नहीं बताया है, मगर भाई साहब कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, क्या बताया जाए। वन माइनस साइन एक्स डी एक्स पाई जीरो टू पाई वन माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन में धोखा खा जाओगे, मैं बार बार बोला इंटीग्रेशन को बहुत कायदे से पेन को रगड़ो, मेरी बात समझ रहे हो, वरना यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिमिलर दिखते हैं, धोखा खा जाओगे। वन माइनस पाई आंसर आएगा, तुम तो तुम्हारी तो यार कुछ ज्यादा ही स्पीड चल रही है, हाई स्पीड कैलकुलेशन, आंसर देख देख के तो नहीं बता रहे हो, आंसर है आंसर पीछे दिए गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर ये बात है तब फिर बहुत बढ़िया बात है, और कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा तो फिर इसके आगे बताओ क्या करेंगे, बोलो इसके आगे क्या करेंगे, बाबू सेपरेट कराएंगे, हाँ हाँ कर रहे हो, जीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ लोग देखिए हंस रहे हैं, वो इसी बात पर खुश हैं कि भैया हमको ने तो पड़ोसी भी नहीं बता पाया है। अरे यार थोड़ा सा कम से कम कुछ कंसंट्रेट करके काम करो, जीरो टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या तुमको देखने को मिलता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मुझे लगता है कि शायद अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कहाँ पर डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस sec x, sec square x, देखिए कोई बोल रहा है, अब कहेंगे सर आके कान बज रहे हैं, अभी हम कहेंगे किसने का, तो कहेंगे हमने तो कहा ही नहीं है, ये किसने का, सब तुरंत एक दूसरे को देखने लगेंगे, क्लास में से अजीब बात क्या होती है कि बच्चा पहले बोल देगा फिर जब पूछो किसने का, सब इधर तुमने कहा है, तुमने कहा है, आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए, यहाँ से देखो टेन पाई की वैल्यू क्या होती है और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है और जीरो माइनस जीरो क्या होता है जीरो, हमें तो लोग अभी भी नहीं बोलोगी ये बताइए क्लास का, sec पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, sec जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, केवल साहिल है हमारे यहाँ जो कुछ जवाब दे पाते हैं, बाकी तो सब जो है, यहाँ से कितना आंसर आया टू पाई, टू आई भी चल रहा है, मैं कह रहा था ना ये क्वेश्चन मैंने बताया है पिछली बार टू टू आई, हाँ तब फिर तुम लोग हल्ला मचा रहे थे, तब फिर मैंने कहा नहीं बाबू टू से टू कैंसिल होगा, अब तुम सब फिर खुश हो गए थे, फिर खुश हो जाओ, आगे बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो यार इधर से मैं कुछ रफ कर देना चाहता हूँ फटाफट फटाफट, हाँ चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, बढ़िया परफॉर्मेंस सभी लोगों का और ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है। देखो यहाँ के क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लो, मैं बार बार आपको इस बात को फिर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए अगर क्या है ना कि तुम इनको थोड़ा सा हल्के में लोगो तो फिर थोड़ी सी समस्या वाली बात है। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बात कही जा रही है, इंटीग्रेशन जीरो टू फोर मॉड एक्स माइनस टू मॉड एक्स माइनस फोर डी एक्स 2013 में ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि तुमको इस मॉडुलस फंक्शन को ऑर्डिनरी फंक्शन में लाना होगा, किसमें लाना होगा ऑर्डिनरी फंक्शन में, ठीक है, तो तुम इसको स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करोगे और स्टेप फंक्शन में तुमको कन्वर्ट करने के लिए यानी कंडीशनल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, कंडीशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तुमको जीरो से फोर के बीच में अलग अलग स्प्लिट करना होगा। अब वेरियस बुक्स में देखोगे तो तुमको यही मेथड देखने को मिलेगा जो बता रहे हैं, तुमको एक इजी मेथड बता रहे हैं जिसमें कि इजी मेथड से थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा, हालांकि इस पर शायद एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता भी चुके हैं सीबीएसई में, एक्स साइन पाई एक्स मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स और मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको सेपरेट कर देंगे, इससे हमको एक बेनिफिट मिल जाएगा और बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि अब ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं, अब ये तीन क्वेश्चन हो गए हैं, कितने तीन। अब जरा ध्यान देना हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी केस ले लेते हैं, तीनों का लिमिट सेम है, जीरो टू फोर चल रहा है, ठीक है, तीनों को बारी बारी से देखते हैं, ये नंबर लाइन, इसके लिए ये नंबर लाइन और इसके लिए ये नंबर लाइन, ठीक। सबसे पहले इस रियल लाइन को हम बाउंड करते हैं, किससे बाउंड करते हैं, हाँ जो हमारी लिमिट दी गई है जीरो से लेकर के फोर तक के बीच में बाउंड कर देते हैं, ये वाला जीरो टू फोर, ये वाला जीरो टू फोर, कोई समस्या। अब जरा ध्यान देना, अगर एक चीज पहले समझ लेना, अगर ये ओरिजिन है तो इसका जो राइट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो लेफ्ट होगा वो निगेटिव होगा,
अब हमने तुमसे कहा था क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, क्या कहा था क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने क्या कहा था जो फंक्शन होगा उसी को जीरो करोगे। इसका मतलब जब हमने इसको जीरो किया मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ मॉड के अंदर जो है उसको जीरो कर दिया, तो मॉड के अंदर क्या है एक्स और उसको जीरो किया तो एक्स इक्वल क्या आया जीरो, और ये जीरो तुमको ठीक इसी जगह पर मिलेगा। अब जब हमारा इंटीग्रेशन जीरो से फोर के बीच में बाउंड है तो हमें इसी तरफ तो इसी ये ब्लू ब्रैकेट के अंदर ही तो रन करना होगा, तो ऑरिजिन से जब इधर आते हैं तो ये कैसा हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। वैसे तुम जानते हो मॉडुलस लगा हुआ है जीरो से फोर के बीच में तो ये हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। आप समझे बाबू साहिल क्या गड़बड़ी है, इसीलिए बताया था। फिर जरा ध्यान देना, जब इसको जीरो करोगे किसको x माइनस टू को जीरो करोगे तो x की वैल्यू बाबू क्या जनरेट हो जाती है टू जनरेट होती है। जब x की वैल्यू टू जनरेट होगी तो उसको उठाकर यहाँ बीच में पटक दोगे। अब ये जो टू है यही क्रिटिकल पॉइंट असल में तब्दील हो जाता है ऑरिजिन में। अब ऑरिजिन का मतलब जीरो से नहीं है यहाँ पर, ऑरिजिन का मतलब क्रिटिकल पॉइंट से है। इसका मतलब इसका जब इधर आएंगे तो नेगेटिव, इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। हम चाहें तो वैल्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जीरो से टू के बीच में एक नंबर ले लिया वन को ला करके यहाँ रख दिया तो वन माइनस टू माइनस वन नहीं मिला, तो यानी ओरिजिन का लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है बाबू ये वाला दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक चलेगा जीरो से टू, एक चलेगा जीरो से टू, और जीरो से टू पर ये आउटपुट क्या देगा नेगेटिव, और फिर देखो टू से फोर अब ये आउटपुट क्या देगा पॉजिटिव। और तुमने एक चीज नोटिस की कि मॉडुलस खत्म हो गया है, मॉडुलस की जगह पर क्या आ गया है ब्रैकेट आ गया है। फिर समझने का प्रयास करेंगे, तीसरा जब किस्सा लेते हैं तो तीसरा किस्सा आता है x माइनस जीरो टू फोर, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर मतलब कहां पर आ रहे हैं यहां पर आ रहे हैं, हमको रहना तो जीरो से फोर के बीच में ही है, ऑरिजिन से किस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर तुमको क्या देखने को मिलेगा जीरो टू फोर एक्स माइनस फोर। एक चीज नोटिस की यहां से मॉडल फट गया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये इतना हिस्सा एक है, ये इतना हिस्सा एक है, और वो उतना हिस्सा एक है। यहां से तुमको देखने को मिलता है जीरो टू फोर एक्स डी एक्स, यहां से तुमको देखने को मिलता है माइनस प्लस माइनस हो जाता है x माइनस टू और साथ में dx। यहां से देखो इंटीग्रेशन टू टू फोर और फिर x माइनस टू dx, और यहां से माइनस का जीरो टू फोर x माइनस फोर dx। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। इसको देखो फिर अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से जब x को इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू फोर। इसमें कई बार स्टूडेंट्स एक बार क्लास में कर रहे थे अलग से पूछने आया था, जरा ध्यान देंगे। हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2x माइनस 2dx को। एक तरीका तो जो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं इसको सेपरेट करा दें, लेकिन इससे क्या होगा बच्चा थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको मन में मान लेते हैं x माइनस 2 क्या है t है, x माइनस 2 को मन में माना क्या t, तो dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt, तो यहां पर क्या बनता है t, और जब t को इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन 2 t स्क्वायर नहीं बना देता है, t वास्तव में क्या था तो ये सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। अब यहां पर अगर हम सीधे मानते हैं तो देखो एक लिमिट भी हमारी 2 चल रही है ना, तो वो जीरो कर देगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चंस में लीनियर सिस्टम पर हम क्या करते हैं उसको सीधे इंटीग्रेट करते हैं बजाय अजम्पशन के या सेपरेशन के। इसको सीधे इंटीग्रेट कर दिया तो 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। लिमिट्स क्या चल रही है, लिमिट चलेगी 0 टू 2, फिर यहां से देखो जरा 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिमिट क्या चलेगी 2 टू 4, फिर यहां से देखते हैं आगे, फिर यहां से देखते हैं कौन है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर यहां से देखते हैं माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, लिमिट क्या चलेगी जीरो टू फोर साथ में वन अपॉन टू। कोई समस्या यहां तक, आगे बढ़ा जाए। अब हमने क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया इवेलुएट, जैसे इवेलुएट किया तो वन अपॉन टू यहां से जनरेट होता है, फोर फोर जा माइनस जीरो बेकार हो गया। ध्यान देना जरा, एक बार अपर लिमिट रखोगे जीरो कर देगा, लोअर लिमिट रखोगे माइनस का फोर, नहीं मेरी बात समझे, फिर देखते हैं प्लस का वन अपॉन टू, एक बार अपर माइनस वन बाई टू, यहां पर जब रखा तो जब जीरो रखा माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो गया। अब फॉर्मूला था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे ये माइनस वो वाला माइनस माइनस लोअर लिमिट माइनस वो वाला है, अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, डन नहीं समझे, फिर यहां से बताओ अगर समझ गए हो, इसका बताओ फिर आउटपुट क्या मिलेगा, हाँ प्लस का फोर माइनस लोअर लिमिट टू माइनस टू डेड हो जाएगा। फिर यहां से देखो माइनस का वन अपॉन टू, यहां से देखो जरा अपर लिमिट पर डेड हो जाता है लोअर लिमिट और 16। कोई समस्या, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर यहां से देखते हैं तो यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा 8, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2 और फिर प्लस का 8, 8 8 16 और 4 20, आंसर टैली करो 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ गए, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है, मैं फिर कहता हूं कि इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है, और अगर तुम कंडीशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेशली यहां पर कंडीशनल में लाने का मेथड जरा दूसरा होता है, ठीक है, जो इजीएस्ट मेथड है ऑलरेडी आप तक जो है चीजें फिल्टर होकर के पहुंच रही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, अभी बहुत हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं अब आज इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, कल की एक अंतिम वीडियो होगी जिसमें तुम्हारा डेफिनेट पूरा जो है कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।